इस स्नैक्स को बनाने के लिए मैंने मेजरिंग कप से 1 कप सूजी ली है। ये मैंने बारीक वाली सूजी का यूज़ किया है, सूजी को रवा भी कहा जाता है। अब इसमें हम 1/2 कप मैदा डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच इसमें हम अजवाइन डालेंगे, अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके डालेंगे। इस तरह अजवाइन को डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। 1/2 चम्मच कुटा हुआ खड़ा हरा धनिया डालेंगे, 1/2 चम्मच सौंफ डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। अगर आपके पास जीरा पाउडर नहीं है तो आप जीरे को सेक कर उसे पीस सकते हैं। 1/2 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, कसूरी मेथी को भी हम हाथों से क्रश करके डालेंगे। कसूरी मेथी आपको किसी भी किराना स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अब इसमें हम 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इस स्नैक्स को मैं मसाले वाले बना रही हूँ, इसलिए मैं लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसे और भी स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो लाल मिर्च की क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच मैगी पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल हम मोयन के लिए यूज़ कर रहे हैं, मोयन डालने से जो स्नैक्स बना रहे हैं वो बहुत ही खस्ता बनेंगे। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इन स्नैक्स को आप कभी भी बनाकर रख सकते हैं, इन्हें आप त्योहारों पर भी बना सकते हैं और चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी को ये स्नैक्स बहुत पसंद आएंगे। देखिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, हमने जो मोयन डाला है वो भी इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा गूंथ लेते हैं। तो देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार कर लिया है। डो को ना तो मैंने ज़्यादा टाइट रखा है और ना ही ज़्यादा ये सॉफ्ट है। अब डो को हम 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देते हैं ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं, डो अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे हम मसल मसल कर और भी चिकना कर लेंगे। तो देखिए डो को मैंने मसल मसल कर और भी चिकना कर लिया है। अब इसमें से हम बॉल जितना पोर्शन लेंगे और लोई बना लेंगे। इस स्नैक्स को आप एक बार जरूर बनाकर देखें, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखिए इस तरह से मैंने लोई बना ली है। अब इस लोई को बेलने के लिए मैंने तेल लगाया है, आप चाहें तो सूखा आटा या फिर मैदा भी लगा सकते हैं। अब इसे हम बेलेंगे। इसे हमें ना तो ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही ज़्यादा पतला। अभी मैं आपको इसकी थिकनेस बताऊंगी कि हमें कितना बेलना है। तो देखिए आप वीडियो में देखिए, देखिए हमें इसे इतना मोटा रखना है। अब इसे हम लंबे लंबे स्ट्रिप में कट कर लेंगे। आप इसे अपने मनचाहे शेप में कट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे इस तरह से कट कर लिया है। अब इन्हें हम एक प्लेट में रख लेते हैं। तो देखिए सारे स्नैक्स बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं। कढ़ाई में तेल डालकर मैंने पहले से ही गर्म होने रख दिया था, तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब एक एक स्नैक्स उठा के हम कढ़ाई में डालेंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है।
तरह से जितने स्नैक्स कढ़ाई में आ जाएंगे हम उतने डालकर फ्राई करेंगे। अब इन्हें हम 30 से 40 सेकंड तक स्लो फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। इसके बाद हम इन्हें पलटेंगे। 30 से 40 सेकंड हो गए हैं, अब इन्हें स्नैक्स को हम पलटा देते हैं और गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए सारे स्नैक्स को मैंने पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। इस तरह से मसाला स्नैक्स बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह से हम बाकी के सारे बचे हुए स्नैक्स को फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया मसाला स्नैक्स बनकर तैयार हो गए हैं। इस तरह से सारे स्नैक्स मैंने फ्राई कर लिए हैं। इन्हें आप बनाकर रखें, चाय के साथ सर्व करें। इन्हें आप बनाकर कुछ समय तक एयरटाइट डिब्बे में स्टोर भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक तोड़कर बताती हूँ, देखिए कितने खस्ता बने हैं ये। तो आप भी एक बार इन स्नैक्स को बनाइए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।